फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत शानदार लेसन, यानी एक ऐसा लेसन जिसे हमें अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहाँ आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को ना बोलते हो। और कमाल की बात यह है कि ये टॉपिक यूट्यूब पर पहली बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी इस टॉपिक पर यह पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो पास्ट अनरियल होता है, जैसे अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कहते हैं, अब तक तो तुम चले गए होते, या अब तक तो तुम जवाब दे दिए होते, या अब तक तो हम घर पहुंच गए होते। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जो अनरियल पास्ट होता है को बोलने के लिए हम इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जब आप एक ऑटो रिक्शा का इंतजार करते हैं और बहुत देर तक जब ऑटो रिक्शा नहीं मिलती है तो आप कहते हैं कि अब तक तो तुम स्टेशन पहुंच गए होते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि अब तक तुम स्टेशन पहुंच गए होते तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे It is time you reached the station, यानी अब तक तुम स्टेशन पर होते, या अब तक तुम स्टेशन पहुंच गए होते। अगर आपको कहना हो कि अब तक तुम जवाब दे दिए रहते, या अब तक तुम जवाब दे दिए होते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज टाइम यू आंसर्ड, यानी अब तक तुम इस काम को कर लिए होते। अगर आपको कहना हो अब तक तुम नाश्ता पका ली होती, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज टाइम यू प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, यानी अब तक तुम ये काम कर ली होती। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसे हम अनरियल पास्ट कहते हैं को बोलने के लिए इट इज टाइम के साथ पास्ट स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बोलते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि यह टॉपिक पहली बार मैं यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आप में से किसी को डाउट हो या वो कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक किताब का स्क्रीनशॉट दूंगा ताकि आप उसे खुद पढ़ें और इस बात को समझ सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि अब तक तो तुम होमवर्क कर लिए होते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज टाइम यू फिनिश्ड योर होमवर्क। अगर आपको कहना हो कि अब तक तो तुम लौट आए होते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे It is time you returned. Friends, अगर आपको कहना हो कि अब तक तो तुम इंग्लिश सीख लिए होते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे It is time you learned English. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें अब तक तो तुम ये काम कर लिए होते, या अब तक तो तुम वहाँ पहुँच गए होते, या यहाँ आ गए होते, ये कर लिए होते, वो कर लिए होते, यानी अनरियल पास्ट को बोलने के लिए आप इट इज टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको यह मजेदार टॉपिक पढ़ाया, क्या मुझे एक शेयर मिलेगा? अगर वाकई आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।